क्यों रहे हैं? आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? ये दिन भी देख रहे थे मैं। बस किस्मत में जो लिखा होता है वो मैं लोगों की मदद करता था। अच्छा चलें, आपकी नेकी का सिला किसी ना किसी दिन अल्लाह पाक तो आपको देंगे ही ना। देंगे। तो फिर परेशानी कैसी? जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो अल्लाह आपके साथ अच्छा करता है। कोई नहीं होती बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा जी? ठीक है बेटा। ठीक है। तो बाबा जी यहाँ बैठे थे आप, हमने आपको देखा, तो क्या आप यहाँ काम करते हैं? मैं चौकीदार करता हूँ। अच्छा चौकीदार है यहाँ पे। तो क्या टाइम है आपका? रात दिन का ही। दिन रात यहीं पे होते हैं? अच्छा दिन रात यहीं पे होते हैं। तो फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां, 2 बेटे छोटे हैं। 5 बेटियां और माशाल्लाह 2 बेटे हैं। तो बेटे छोटे हैं? हाँ बेटे छोटे। तो कमाने वाला घर पे कोई भी? कमाने वाला तो कोई भी नहीं है। तो आपका यहाँ खाना पीना खर्चा वगैरह फिर वो कैसे होता है? मेरे अपने जिम्मे है। वो आपके अपने जिम्मे है, मतलब 15,000 में से आपने अपना खर्चा भी करना है और घर में भी बेचना है? घर में भेज के राशन वगैरह वो पूरा करना है, यहाँ पे अपना पूरा करना, तो मुश्किल नहीं होती बाबा जी? मुश्किल है बेटी, फिर क्या करें? फिर मजदूर आदमी हूँ। क्या हुआ आपको? मेरा मसल नहीं है, बाजू नहीं है। बाजू नहीं है? नहीं है बेटी। तो मैं तो ऐसे वैसे इस दिन से लकाई बैठा के मेरा बस चलो मैं कि मतलब जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में आप वो कर सके। तो ये आपके बस में था तो आपने ये मेहनत कर रहे हैं, दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। मेरा पहले कारोबार था। अच्छा होटल का। अच्छा अच्छा खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो फिर ये बाजू का क्या हुआ आपके? बाजू एक्सीडेंट हो गया। कितने साल हो गए? काफी देर हो गई। 14-15 साल का। तो फिर 15,000 से घर का खर्चा निकल आता, गुजारा हो जाता है? बस पाजी क्या करे फिर, बेटी हूँ मैं आप। हाँ, मांगता मैं किसी से नहीं हूँ, अल्लाह से मांगता। अल्लाह से मांगना भी अल्लाह से चाहिए। अल्लाह ने देना है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बस में जो है आप वो कर रहे हैं, आपके बस में जो है आप बैठ के यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं, तो ये मेहनत ही है। तो अल्लाह पाक वसीले बनाता है। तो जैसे आज हमें अल्लाह पाक ने, बिल्कुल जैसे अल्लाह पाक ने हमें आपके पास भेजा आज, तो अल्लाह पाक ने हमें भेजा है और कहा है कि जाओ आप इनके पास और इनके लिए कुछ करो। तो ये कुछ पैसे अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, ये आपकी सिर्फ मेहनत के पैसे हैं, आपके जज्बे के पैसे हैं। आप इतने वो मुश्किल के बावजूद आप यहाँ दिन रात एक करते हैं अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से ना ये आपके लिए थोड़ा सा था जो हमसे हो सका तो हमने किया। आपको आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक आपके साथ है, है ना? परेशान होने की तो कोई नहीं, बात नहीं, नहीं है तो नहीं। हाँ जी, तो बस नहीं होता ना। आपके जज्बे ने आपके अल्लाह पाक ने हमें आपके पास भेजा। मैंने तो सिर्फ कई लोग बैठा होता हूँ ना, तो कई कहते हैं बाबा जी शायद मांगते हैं, अल्लाह की मांगना अल्लाह से चाहिए। तो चले अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, मेरे सर पे प्यार दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? आपको और आमीन आमीन। आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? बस अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, आपने परेशान नहीं होना। ये दिन भी देख रहे थे मैं। बस किस्मत में जो लिखा होता है वो मैं लोगों की मदद करता था। अच्छा चले, आपकी नेकी का सिला किसी ना किसी दिन अल्लाह पाक तो आपको देंगे ही ना। देंगे। तो फिर परेशानी कैसी? जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो अल्लाह आपके साथ अच्छा करता है। तो कोई नहीं होती बेटी, बजाय देखना होता है कि मेरा बस। मेरे साथ एक दो हादसा ऐसे हुए हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप कहेंगे ना तो बयान करूँ ना, आप तौबा तौबा करेंगे। चलें, ये तो बस किस्मत में ऐसे लिखा होता है तो हो जाता है। अल्लाह पाक आपके बच्चों को आपका सहारा बनाए, बिल्कुल, ताकि आप घर बैठ के आराम करें। तो आपने परेशान नहीं होता होना, आपकी नेकी का सिला इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर देंगे, ठीक है? तो चले दुआ में याद रखिएगा। अच्छा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बाजू के बावजूद